तुम खुद से खोलो तो एक बार, मतलब कोशिश। और थैंक यू। नहीं खुल रहा है ना? नहीं खुलेगा, जमा गया है पूरा दम। ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे, नहीं खुलेगा तो छोड़िए देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी देवरानी और आज हम दोनों मिल करके इसका नोज़पिन खोलने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसका नोज़पिन हाथों से नहीं खुल रहा है। जब ये पहन करके आई थी ना अपनी शादी में, शादी के अगले दिन यहाँ अपने ससुराल, तो ही इसका नोज़पिन 20 दिन के बाद ही खोलने का कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुला। तो अभी 1 साल हो चुके हैं और 1 साल में तो और ज़्यादा जाम हो गया है इसका नोज़पिन। तो देखिए हम लोग क्या जुगाड़ लगा रहे हैं खोलने के लिए। जो लेदरा और फलिया सिला जाता है ना, वही धागा है ये, काफ़ी मोटा सा उजले रंग का। देखिए इसको इस तरह से गांठ बना लेनी है ताकि नोज़ पिन को खोला जा सके। तो देखिए इस तरह से गांठ बनाना है, फांसी का फंदा जैसे होता है वैसे ही। इसी तरह हमें दो बनाना है। अभी आपने एक देखा, अभी यहाँ पे दूसरा भी देखिए बनने वाला है। देखिए इस तरह से आपको फंदा बनाना है, देखिए इस तरह से। तो ये जा करके नाक के नीचे कील में और नाक के ऊपर जो नोज़ पिन है उसमें फिक्स हो जाएगी और उसके बाद खींचने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी जब ये शादी करके आई थी ना, तो मैं इसका नोज़ पिन खोलने का कोशिश कर रही थी तो हाथ से नहीं खुला था। और फिर जब मैं धागे का प्रयोग की थी, जो सिलाई वगैरह करते हैं ना उस धागे का, तो भी इसका जो नोज़ पिन है वो नहीं खुल रहा था। लेकिन नोज़ पिन इसका काफ़ी बड़ा है, तो ये सोच रही थी कि मेरा फेस छोटा है और नोज़ पिन काफ़ी बड़ा है, तो जब ये दुल्हन थी उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा था। लेकिन अभी चाहती है कि मैं चेंज कर लूँ। यही नोज़ पिन के साथ होता है। अगर आप मेरा चैनल पे पहली बार है ना, तो मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे इस टाइप की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आती है नोज़ ज्वेलरी से जुड़ा हुआ। तो आज ही पहली वीडियो है जब मैं आपको नोज़ पिन को इस तरह से इतना खतरनाक तरीके से खोलना सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। इस टाइप का जो नोज़ पिन खोलने का तरीका है ना, देखिए जो नोज़ पिन है ऊपर जो फंदा मैंने बनाया है उसको उसके अंदर घुसा देना है। और इसको जैसे जैसे आप खींचोगे ना वहाँ पे वो उतना ही टाइट होता जाएगा। देखिए तो टाइट हो गया है, यानी लॉक हो चुका है धागा। तो ये ऊपर लॉक हो गया और दूसरा फंदा जो है नाक का नीचे जो पेच बना हुआ है उसमें लगाना है। तो इसका जो नाक का जो पेच है वो हुआ ये था, ये क्यों नहीं खुल रही थी अभी मैं ध्यान दी कि इसका जो नाक का पेच है ना वो टेढ़ा हो गया था। लेकिन नाक का जो पेच है उसमें भी ये रस्सी घुसा करके और इसको खींच दी हूँ ताकि ये टाइट हो जाए। देखिए इस तरह से अब खींचेंगे। कष्ट करवा रहा हूँ। दर्द है क्या? इतना बढ़िया रहा बताइए। कहाँ दर्द दे रहा था? चलो समझ नहीं। रुको हाथ दर्द होने लगा। बस थोड़ा सा, रुक जाओ। मिशन सक्सेसफुल हो गया रहा, दिखाओ धागा। एक साल बाद खुला है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसका नोज़ पिन खुल चुका है और देखिए इसका नाक काफ़ी ज़्यादा अब रिलैक्स महसूस कर रहा है, क्योंकि ये 1 साल से ये नोज़ पिन पहनी थी और 1 साल से चाहती थी कि ये खुल जाए लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। और फाइनली आज हम लोग दोनों मिलके मतलब खोल ही दिए दोनों के प्रयास से। और मेरा बेटा कैमरा पकड़ रहा था, उसका हाथ दर्द हो रहा था कैमरा पकड़े पकड़े। तो देखिए नोज़ पिन अलग है, उसकी कील अलग है ना। अब मैं बोली कि चलो ठीक है, तब नाक खाली नहीं रहेगा, अब पहन कर भी दिखा दो, नोज़ रिंग पहनने का मन है तो। यहाँ देखिए ये नोज़ रिंग पहन रही है अपने नाक में इस तरह से। ये ब्लैक कलर की नोज़ रिंग है जो कि मैं एक वीडियो अभी जस्ट ही कंटिन्यू गाँव पर बनाई थी तो आपको दिखाई थी, ये वाला नोज़ रिंग पहन के काफ़ी सुंदर लग रही है। देखिए इस तरह से इसमें 4-5 स्टोन लगे हुए हैं और पूरा जो कलर है इसका ब्लैक है। और ये देखिए खुद पहन रही है,
तो इसका फर्स्ट टाइम है कि ये नोज़ रिंग पहनने वाली है। आज तक शायद ये नोज़ रिंग नहीं पहनी है, तो अभी ये जस्ट ही सोने का नोज़ रिंग भी ली है तो पहनने वाली है। तो फिर मैं बोली कि चलो अभी यही पहन लो, अब उठ के जाएगी फिर अपना आलमीरा खोलेगी, फिर खोजेगी निकालेगी, उससे अच्छा बैठे बैठे यही पहन लो और पहन करके दिखा दो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं कि नोज़ रिंग पहनने के बाद इसका नाक कैसा लग रहा है। वैसे इसकी आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी आजकल की, तो इसमें ये नोज़ पिन ही पहनती है शुरू से ही, तो नोज़ पिन ही है। लेकिन यही होता है कि जब कोई फेस्टिवल आता है ना, जैसे कोई भी अभी वट सावित्री पूजा था, करवा चौथ है, तीज है, तो वैसे में नथिया पहनने का इसको मन करता है, लेकिन नथिया पहन नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर नोज़ पिन होता है। तो देखिए ये इस तरह से पहन ली है। और आप लोगों को मैं काफ़ी सारे वीडियो में बताते रहती हूँ कि अगर आप लोगों को नोज़ पिन या नोज़ रिंग पहनने नहीं आता है तो मेरी वीडियो देखिए। पहनने का तरीका मैं आपको हमेशा बताती हूँ। इसको पहनने नहीं आ रहा था नोज़ रिंग, तो मैं इसको बताई अभी कि नोज़ रिंग कैसे पहना जाता है। नीचे से घुसा करके तब छेद में डालते हैं, पहले छेद में डाल के नीचे नहीं करेंगे, पहले नीचे यानी नाक का नीचे में घुसाएंगे, फिर छेद में डाला जाता है। तो ये देखिए नाक में पहन ली है और अब इसको खुशी हो रही है कि हाँ थोड़ा कुछ चेंज है। लेकिन इसको सटा सटा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि ये काफ़ी चिपका हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी वीडियो बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।